मामलों को लेकर रविवार का दिन राहत देने वाला रहा। बीते 24 घंटे में कोरोना के 38,948 मामले दर्ज किए गए। 43,903 लोगों ने इस बीमारी को मात दी, जबकि पिछले 24 घंटे में 219 संक्रमितों ने दम तोड़ा। नए केस का आंकड़ा 9 दिन बाद सबसे कम रहा। साथ ही मौत का आंकड़ा भी लंबे समय के बाद 300 के नीचे पहुंचा है। हालांकि केरल में कोरोना के नए मामले कम नहीं हो रहे हैं। राज्य में रोजाना 29,000 पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। वहीं केरल में निपा वायरस से एक बच्चे की मौत ने और चिंता बढ़ा दी है। अब देश में कोरोना महामारी को आंकड़ों में देखें तो बीते 24 घंटे में 38,948 कुल नए केस आए। बीते 24 घंटे में 43,903 कुल ठीक हुए। कुल मौतों का आंकड़ा 219। बीते 24 घंटे में कोरोना टीका 58.85। अभी सक्रिय मरीजों की संख्या 4,04,874। कुल संक्रमित हुए लोगों की संख्या 3,30,27,621। अब तक ठीक हुए लोग 3,21,81,995। अब तक कुल मौतों की बात करें तो 4,40,752। और अब तक कुल कोरोना टीका के आंकड़ों की बात करें तो 68,75,41,762 लोगों को कोरोना टीका लग चुका है। आज की हमारी कोरोना अपडेट में इतना ही। आगे की तमाम कोरोना अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल।